रेहान हमेशा से चाहते थे कि उनका एक अलग घर होता, अलग बिजनेस होता, लेकिन इन जालिमों ने उनसे उनकी जिंदगी ही छीन ली। क्यों याद करती है इन सब बातों को आप मामा? क्यों अपने आप को अजियत देती हैं? भूल जाइए सब। नहीं भूल सकती। रेहान की मौत के बाद मैंने ये जिंदगी कैसे गुजारी है सिर्फ मैं जानती हूं। इसी आस में कि एक दिन तुम लोग मेरा हक मुझे वापस दिलाओगे। ये घर, ये बिजनेस, ये जायदाद, ये सब कुछ तुम लोगों का है। और वैसे भी अब फातिमा सलमान को अमजद के साथ ऑफिस जाने पे फोर्स करने लगी है। मैं चाहती हूं कि तुम उससे पहले ही ऑफिस ज्वाइन कर लो और सब कुछ टेक ओवर कर लो। जी मामा। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो दानियाल? और आजकल क्या चल रहा है? फिलहाल पढ़ाई चल रही है ताई। पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा आपका भतीजा कितना टैलेंटेड। आप बस देखती जाएं। पाकिस्तान का सबसे फेमस सिंगर बनूंगा भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने पहले से प्लान कर रखा है। जिस इंसान को अपने मकसद का पता होता है ना, उसके रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्यों ना, सलमान की पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली है। अगर अल्लाह ने चाहा तो यम्मी, सलमान भाई को आप बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए। आखिर मामू कब तक बिजनेस देखते रहेंगे? मैं भी काफी दिनों से यही सोच रही थी। अच्छा खैर, तुम्हें कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही, जाओ। बस कॉलेज ही के लिए जा रहा था, सोचा दादू से सलाम करता हुआ चले जाऊं। हाँ जी दादू, वापसी में कॉलेज से आपके लिए क्या लेकर आऊं, बर्गर या चॉकलेट्स? बर्गर, चीज विदाउट चीज? मेरे ख्याल से आजकल आप ओवर वेट हुई हैं, तो विदाउट चीज सही रहेगा। ओके श्योर, डन। दानियाल कॉलेज के लिए देर हो रही है, बाकी शरारतें आके कर लेना। शुक्र है ताई अम्मी, आपको हमारी ये शरारतें पता था, वरना वो जो सुरैया मामी है ना, वो तो बस दानियाल। ओके सॉरी। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज दादो। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये, जब तुम्हारा दिल करता है तो मुंह उठा के ऑफिस चले आते? क्या हो गया बू, मैंने क्या कर दिया? ये वक्त है तुम्हारे आने का? बस आधा घंटे तो लेट हूं, इसमें कौन सी कयामत आ गई? देखो शफकत, मैं चाहता हूं कि तुम ये कारोबार संभालो, सीख लो कुछ। इससे पहले अदनान और सलमान इस ऑफिस को ज्वाइन करें, हर चीज पे कब्जा कर लें और तुम्हें उनसे पैसे मांग के गुजारा करना पड़े। तो मांग लूंगा उनसे, जिस तरह आपसे मांगता हूं उनसे मांग लूंगा। और वैसे भी इस ऑफिस में मेरी कौन सी इज्जत है? जा रहा हूं मैं अपने केबिन में। अम्मी। हाँ अम्मी, देखिए कौन है। कौन है? देखिए तो। अरे नाहिद, तुम कैसे भूल गए भाई तुम यहाँ का रास्ता? कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम तो कराची से ऐसी गई कि हमें भूल ही गई।
और आने के बाद भी कोई आता पता नहीं। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, फुर्सत नहीं मिलती कि मैं तुम्हारे घर आऊँ। यकीन जानो कराची वापस आते ही बच्चियों ने तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन लिए, बच्चियाँ हो गई पढ़ाई में मसरूफ, बची मैं, घर के काम तो जान ही नहीं छोड़ते। हाँ हाँ जानती हूँ तुम्हारे बहाने, लेकिन भाई हमारे बड़ों ने तो हमें यही सिखाया है कि खून के रिश्ते तोड़े नहीं टूटते। देखो ढूंढती भी आ गई तुम्हारा घर में। अच्छा चलो अंदर चलो, बैठ के बातें करते हैं, आओ। आपको तो वहाँ बहुत मजा आता होगा ना, वहाँ की जगह, वहाँ का मौसम। मेरा भी इतना दिल करता था कि मैं आपके पास लंदन आ जाऊँ, लेकिन मामा ने मना कर दिया। लेकिन इरम तुम जानती नहीं पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है। यू नो व्हाट, फॉरेन से लोग यहाँ आते हैं, जानती हो क्यों? सिर्फ यहाँ पाकिस्तान की जगह देखने के लिए। आई डोंट थिंक, मुझे तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस आप मामा से बात कीजिएगा, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी, ठीक है? और वैसे भी नेक्स्ट मंथ से मेरी वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, बात करूंगा मामा से। थैंक यू। अच्छा ये बताएं, आप सलमान से मिले? नहीं। खैर रहने ही दें, आप उससे मिलके करेंगे भी क्या, वो तो हर वक्त अपने कमरे में बंद अल्लामा इकबाल की तरह बैठ के सोचता ही रहता है, पता नहीं कब दूसरा पाकिस्तान बना दे। अच्छा माइंड योर लैंग्वेज इरम, वो उम्र में तुमसे बड़े, समझी? इसे क्या हो? पता नहीं। सलमान से काफी दोस्ती है क्या इसकी? I don't know. वैसे ये भी सलमान के साथ रह रहे के ना, उसी की तरह मूडी हो गए हैं। हेलो, अच्छा आप एक मिनट होल्ड करो। एक्सक्यूज मी। भाई मैं तो माशाल्लाह सज्जल को देखकर हैरान रह गई, कितनी बड़ी हो गई है, और बाकी बच्चियां कहाँ हैं? हाँ माशाल्लाह से बच्चियां बड़ी हो गई हैं, अभी बुलाती हूँ। सीमा, सज्जल, रामीन, आओ जरा बेटा देखो, तुम्हारी नाहिद खाला आई हैं। बेटियां तो मैं देख के हैरान रह जाएंगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है, अब तो मैंने उसकी मंगनी कर दी है और बहुत जल्द उसकी शादी कर दूंगी। अरे वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। नाहिद आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। तुम रामीन हो ना? जी। भाई माशाल्लाह, जब तुम लोग यहाँ से गए थे तो कितनी छोटी छोटी सी बच्चियाँ थी, कितनी बड़ी बड़ी सी हो गई हैं। और ये सजल कहाँ है? आंटी सजल अंदर ही होगी, मैं बुला के लाऊं? नहीं नहीं बेटा, मिल ली हूँ मैं उससे। रामीन जाओ चाय बना के लाओ खाला के लिए। अरे नहीं नहीं बेटा रहने दो, मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है, मेरा अपना घर है, फिर से आ जाऊंगी। नहीं आंटी, कम से कम चाय तो पीकर जाए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और कुछ खाने के लिए भी लेके आना। इसी बातें करती हो तो, इतने दिनों के बाद आई हो। हाँ हाँ यार फाइनली आई एम बैक, कोई प्रोग्राम बनाओ यार, फ्री हूँ मैं आजकल। चलो ठीक है मुझे बताना फिर। अच्छा मैं तुम्हें फोन करता हूँ अभी। अरे मामू कहाँ गायब है, अब कोई लिफ्ट ही नहीं। भाई मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ। ऐसे हो ठीक हो? हाँ। तुम घर पे बैठे बैठे बोर हो गए होगे, कहीं बाहर जाओ, दोस्तों में घूमो फिरो। मामू ये घूमना फिरना तो चलता ही रहेगा, जानते हैं मामा का सख्त ऑर्डर है मुझे, मुझे कह रही है कि बिजनेस ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी। एक तो ये निमरा भी ना भाई, अच्छा खासा बाहर से पढ़कर आए हो, बाहर जाओ वहां बिजनेस करो, तुम्हें फायदा होगा। अब यहाँ क्या रखा है, लाइट होती नहीं, आए दिन हालात खराब, और यहाँ की इकोनॉमी वो तो तुम बेहतर समझते हो। मामू दरअसल वापस जाने के लिए आया नहीं हूं मैं, और जहां तक इकोनॉमी की बात है तो बाहर के मुल्कों की इकोनॉमी पाकिस्तान से ज्यादा खराब है। मुझे लगता है कि मेरे पापा के बिजनेस को मेरी जरूरत है। अरे मामू कब से आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, कब से बिजनेस चला रहे हैं? अब उम्र नहीं है, आराम कीजिए।
बच्चे तो अब तुम भी नहीं लाए। मैं फ्रेश हो गया था। जी प्लीज। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मुझे तो लगता है बहुत जल्द मैं पागल हो जाऊंगा या फिर ये लोग मेरी जान ले लेंगे। लाना करे, कैसी बातें कर रहे हो? एक तरफ वो अदनान कारोबार के पीछे पड़ा है और दूसरी तरफ फातिमा। फातिमा चाहती है कि सलमान ऑफिस जाए। क्या मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मैं कारोबार को अकेला संभाल सकूं? इतनी मेहनत से मैंने अकेले ने इस कारोबार को खड़ा किया है। नहीं, इतनी आसानी से इनके हाथ में नहीं जाने दूंगा मैं। वैसे तुम्हारे इस मसले का एक हल है मेरे पास। क्या? सोचो अगर सलमान की शादी हो जाती है तो क्या सलमान कारोबार और घर की जिम्मेदारियां निभा पाएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि वो तो आधा बीमार है। और जब उसकी शादी होगी तो उसकी बीवी उसको पूरा बीमार कर देगी, क्योंकि वो अकेला रहने का आदी है। अगर वो लड़की चालाक निकली और उसने सलमान का साथ दिया तो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। निम्रा उसका जीना हराम कर देगी। इस घर में वो इतनी आसानी से जगह नहीं बना पाएगी। सलमान की शादी होते ही सलमान, फातिमा और निम्रा का सारा ध्यान कारोबार से हटकर घर के मसाइल में बढ़ जाएगा। और अगर तुम्हारी ये चाल कामयाब हो गई तो वादा है मेरा तुम्हें सोने में तोल दूंगा। अदनान तुम आओ बैठो। कितनी बदबू आ रही है ना तुम्हारे कमरे से। और कहाँ बैठूं, हालत देखी तुमने? अदनान मेरे ख्याल से तो मेरा कमरा बिल्कुल साफ हो रहा है। तुम्हारे ख्याल से तो इसका मतलब है तुम अभी भी अपनी ख्यालों की दुनिया में रहते हो। खाली सी, छोटी सी, खामोश सी, झूठी दुनिया। ये गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए, रख लो। थैंक यू। एक बात तो बताओ सलमान, तुम कुछ बदले हो या अभी भी वैसे के वैसे दब्बू हो? अदनान मैं जैसा हूं बिल्कुल ठीक हूं। तो मिस्टर सलमान आपने बोलना भी सीख लिया है। वो क्या कहते हैं कि चूंटी को भी पर लग गए हैं। <laughs>
अच्छा अदान, एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोना है, सुबह उठ के ऑफिस जाना है मुझे। ऑफिस? और तुम? तो कल से तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे? साउंड्स ग्रेट, वेरी गुड। तुम तो जानते हो ना सलमान, मुझे बचपन से तुम्हारी कंपनी कितनी पसंद है। सो सी यू देयर सलमान। हाँ, वो बेस्ट ऑफ लक। ये लड़की अब तक सो रही है। सीमा, सीमा और जो यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, मैं तुम्हें कब से उठा रही हूँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है रावी, चले जाओ। तबीयत ठीक नहीं है? दिखाओ तो जरा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तो इस तरह लेटे लेटे क्या होगा? मेडिसिन लो। मैं खा लूंगी, तुम चले जाओ। नहीं सीमा, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। रामीन, मेरी फिक्र मत करो, थोड़ा आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी मैं। आज यूनिवर्सिटी में तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करना, जाओ। ठीक है, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? यही कि तुम डॉक्टर के पास जाओगी और उनसे मेडिसिन लोगी। डॉक्टर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं जा रही यूनिवर्सिटी। अच्छा भाई ठीक है, चली जाऊंगी डॉक्टर के पास, अभी तो सोने दो। गुड, चलो जी, मैं तो जा रही हूँ यूनिवर्सिटी क्योंकि मुझे देर हो रही है। और सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदाफिज़। तुम नहीं जानते बेटा, इस दिन के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। मैं चाहती हूं तुम्हें हर मंजिल पे कामयाबी मिले। मामा, ये क्या कर रही हैं आप? सिर्फ बिजनेस संभालने जा रहा हूं मैं, आप भी फौरन से मछली की मां बन जाती। तुम्हारी नजर उतार रही हूं, और क्या कर रही हूं? लेकिन मामा, मैं कोई पहाड़ सर करने तो नहीं जा रहा हूं, सिर्फ बिजनेस संभाल रहा हूं। फिक्र नहीं किया करें आप। तुम तो जानते हो बेटा, इस घर में तुम्हारे पापा को कभी उनका हक नहीं मिला। आज इतने सालों बाद तुम उनकी जगह ले रहे हो, उनका बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। अच्छी तरह से जानता हूं मामा, इस घर में आज तक आपके साथ जितनी भी ज्यादतियां हुई कभी नहीं भूल सकता मैं, लेकिन आज के बाद इस घर में आपके इज्जत और वकार पर कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों दूर जाके सो गई है माँ? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो